दोस्तों आज के स्मैकडाउन देखने के बाद यानी कि जब फिंड ने आकर एलेक्सा ब्लिस पर अटैक करा तो सारे फैंस काफ़ी शॉक हो गए। तो क्या है इसके पीछे की कहानी जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में बेली और निकी क्रॉस के बीच स्मैकडाउन वुमेंस टाइटल के लिए मैच हुआ था और इस मैच में बेली ने निकी क्रॉस को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर लिया। और मैच खत्म होने के बाद जब एलेक्सा ब्लिस जाकर निकी क्रॉस को समझा रही होती है तब वहाँ पर लाइट ऑफ हो जाता है और हमें उसके बाद फिंड का एंट्रेंस देखने को मिलता है। वो आकर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और फिर हाथ उठाकर एलेक्सा ब्लिस को मैंडिबल क्लोजर देते हैं, जिसके बाद सारे फैंस काफ़ी शॉक है कि ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों जैसा कि आपने स्मैकडाउन के इसी एपिसोड में देखा होगा, हमें ब्रे वाइट का एक फार्ले फन हाउस सेगमेंट देखने को मिला था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रे वाइट ब्रॉन स्ट्रोमन को कभी हर्ट करना नहीं चाहते थे, पर फिंड को अब वो चाहिए जो कि स्ट्रोमन के पास है और अब फिंड वो चीज़ लेके रहेगा, तब तक कोई सेफ नहीं है। और आपको याद होगा कि एलेक्सा ब्लिस हमें एक्सट्रीम रूल्स द हॉरर शो में भी दिखी थी जब ब्रे वाइट और ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच चल रहा होता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है कि एलेक्सा ब्लिस की सिस्टर एबिगेल है, पर WWE की तरफ से कोई खबर नहीं आया था उस समय। पर अब जब फिंड ने आकर एलेक्सा ब्लिस पे फिर से अटैक कराया तो दोस्तों इससे यह बात कंफर्म है कि फिंड उस सब को छोड़ने वाला नहीं है जिससे ब्रॉन स्ट्रोमन का कनेक्शन है। और जैसा कि आपको याद होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन और एलेक्सा ब्लिस का काफ़ी अच्छा दोस्ती रहा है, इसीलिए फिंड एलेक्सा ब्लिस पे अटैक करके ब्रॉन स्ट्रोमन को मैसेज भेजना चाहते हैं कि फिंड अब जाग चुका है और अब ब्रॉन स्ट्रोमन की बारी है। वैसे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि WWE इस चीज़ को अब किस तरीके से दिखाती है। पर दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर फिंड और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच समर सलम 2020 में मैच होता तो कौन सा सुपरस्टार जीतेगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले अपडेट्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।